ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। संगीत सरिता। श्रोताओ नमस्कार, संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला सारंगी की स्वर यात्रा। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने सारंगी नवाज उस्ताद फारूख लतीफ खां। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रिकर ने, तो चलिए सुनते हैं इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। फारूख जी, आज राग की चर्चा से पहले सारंगी के इतिहास के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। ये हमारे भारत का प्राचीन साज है, सारंगी, वीणा और पखावज। वीणा देखिए सरस्वती जी के उसमें रहती है जी, और पखावज गणेश जी का हमारा हाथ में देखा होगा आपने जी। और सारंगी, ये तीनों हमारे हिंदुस्तान के प्राचीन साज हैं। जब रावण पूजा करते थे तो रावण हत्ता कहते थे इसको, तीन तार थे तो उस टाइम इसको लेके पूजा करते थे वो। सारंगी की बनावट के बारे में कुछ बात करें, क्योंकि गज से बजने वाले आमतौर पर वाद्य हैं वायोलिन और सारंगी जी जी, शास्त्रीय संगीत में, मगर दोनों का उद्भव अलग अलग तरह से हुआ है। एक्चुअली सारंगी ये तुन लकड़ी की बनती है जी, और तुन लकड़ी आजकल मिलना बहुत मुश्किल होता है। मगर हमारे पास पुरानी सारंगियां हैं जी, तो हम उसी को रिपेयर कर करके बजाते रहते हैं। और इसमें 42 तार होते हैं, 42 स्ट्रिंग, जिसमें तीन गट्स के तार होते हैं। अच्छा। तो ये पहला सा और पा और ये खरज वाला सा। अच्छा। ये तीनों गट्स हैं और ये वाकई स्टील की स्ट्रिंग है जी, ये स्टील की स्ट्रिंग है। और जो इसका चमड़ा है ये बकरी का चमड़ा, और इसका जो ब्रिज है हड्डी का होता है, बोन का जी। तो ऐसे टोटल मिला के इसमें 42 तार हैं। और इसके जो बो है, जो इसकी लकड़ी है वो तुन की है, और जो इसमें बाल लगे हुए हैं वो घोड़े की पूंछ के बाल है। और गज जो घुमाया जाता है वो गट्स पर ही घुमाया, गट्स पर घुमाया जाता है हाँ। तो जो अंदर स्टील के तार हैं, जैसे आपने किसी भी राग में मिलाया होगा हाँ, तो वो उसका सस्टेन करेंगे। जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पे ये सा बजाता हूँ हाँ। अब इसको आप गज से बजाएंगे तो ज़्यादा सस्टेन आएगा हाँ, ये इसका सस्ते है जी जी जी। और इसके देखिए ऊपर का सा बजाऊंगा तो वो अलग आएगा सुर, ठीक है। और ये खरज का जो सा है अच्छा, सारंगी जैसे ही दिखने वाले कुछ वाद्य लोक गीतों में बजाए जाते हैं जी जी। एक्चुअली सारंगी के बहुत सारे रूप हैं जी, जैसे रावण हत्ता एक जोगिया सारंगी, वो उसमें तीन तार लगे होते हैं, और एक सिंधी सारंगी बोलते हैं। अच्छा। यो खाली एक बांस के टुकड़े पे वो तीन तार लगे होते हैं और सात तरवे लगी होती हैं। फारूख जी, आपने बताया कि इस साज में 42 स्ट्रिंग्स होते हैं, तार होते हैं जी 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 जी। तो किस तरह से इन्हें ट्यून किया जाता है? सबसे पहले तो जो गट्स के तार होते हैं जी, उसको हम सा पा सा मिलाते हैं। ये अभी मेरा सफ़ेद तीन सुर है ई, तो मैंने उसमें मिलाया ये। तो ये देखिए, ये पहला तार जी सा, और दूसरा पा, और फिर तीसरा सा। अब स्ट्रिंग कैसे मिलाएंगे? तो जो नौ तरवे हैं, ये नौ स्ट्रिंग हैं, उसको राग मिलाते हैं हम लोग। ये पूरा राग हो गया, और ऊपर की जो तरब है स्ट्रिंग है जी, उसको खरज में मिलाएंगे सा नी दा पा मा गा रे सा। अच्छा। ये हो गया ठीक है हाँ। और फिर ये दूसरी स्ट्रिंग है मध्यम तक,
और जो नीचे की 15 तार है, हाँ, उसको क्रोमेटिक मिलाते हैं हम लोग, दो गंधार, दो निषाद, अच्छा, दो दहवत, ऐसे करके देखिए, ये सा सा एक हो गया, हाँ, अब रे रे, अब ऋषभ चढ़ा हुआ, रे गा गा मा मा, तो ये ऐसे करके दो दो करके क्रोमेटिक अंदर मिलाते हैं, तो ऐसे करके इसकी मिलावट है पूरी। तो अब राग की चर्चा की जाए। जी, पिछली कड़ियों में हम राग भैरव के बारे में जान रहे थे। जी जी, आज जी, किस राग के बारे में आप हमें बताएंगे? मैं राग मियां की तोड़ी और इसका आरोह अवरोह मैं बताता हूँ आपको। जी, जैसे मैं सबसे पहले आपको गा के सुनाता हूँ, फिर सारंगी पे। सा रे गा मा दा नी सा, सा नी दा प मा गा रे सा। तो ये इसकी आरोह अवरोह है। जी, एक्चुअली मियाँ की तोड़ी इसलिए कहते हैं इसको कि इसमें लौट के पंचम लगती है। एक गुजरी तोड़ी होती है खाली, सा रे गा मा दा नी सा नी दा मा गा रे सा, ये गुजरी तोड़ी हो गई। जी, जी। और आप इसमें पंचम लगा देंगे तो ये मियाँ की तोड़ी हो जाती है। तो मैं आपको थोड़ा सा तोड़ी का विस्तार सुनाता हूँ। जी, ये देखिए। ये इसका विस्तार है। जी जी। और दूसरी बात आपको बताऊं तो हमारे घराने में सारंगी की तालीम गायकी अंग से दी जाती है और एक सारंगी गतकारी अंग से बजती है, तो हमको जो तालीम दी है वो गायकी अंग से दी है। क्या फ़र्क है इन दोनों अंगों? जी, गतकारी अंग जैसे सितारखानी गत और गायकी अंग जी जैसे विलंबित एक ताल, तो मैं आपको एक पूरा आवर्तन बजा के सुनाता हूँ। ये विलंबित हो गया है। जी, अब गतकारी अंग से कैसे बजती है मैं आपको बताता हूँ। इसे राग यमन है। ये देखिए, ये गतकारी अंग संग, हाँ,
ताल। ये गतकार अंग हुआ है। वाह। दोनों घरानों की अलग अलग तालीम होती है। जी जी। तो जिस घराने से हम बिलोंग करते हैं उस घराने में हमेशा गायन के अंग से हमको तालीम दी गई सरंगी। ये ग्वालियर घराने की खासियत। ग्वालियर घराने की खासियत है। जी। हम चर्चा राग तोड़ी की कर रहे थे। जी जी। तो कौन सी बंदिश सुनने को मिलेगी? मैं एक बहुत पुरानी बंदिश है। अब मोरे नैया पार करो तुम, अबे मोरे नैया पार करो तुम, हजरत निजामुद्दीन औलिया, अबे मोरे नैया पार कर। अब ये मुर्की है ना, ऐसे ही निकलना चाहिए सरंगी पे। क्या बात है, बहुत ही सुंदर रचना थी ये राग तोड़ी में। जी, इस बंदिश का बहुत अच्छा उद्देश्य है कि वो भगवान से मांग रहा है, अल्लाह से जी, कि अब मोरी नैया पार करो तुम हजरत निजामुद्दीन औलिया। मतलब जिस बेड़े को मैं लेके चल रहा हूँ, अपने घराने को लेके चल रहा हूँ या अपनी परंपरा को लेके चल रहा हूँ, तो बस उससे मांग रहा है कि भाई आप मेरी नैया आप ही पार लगा सकते हैं, और इसलिए मैंने आपको ये बंदिश सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी सारंगी की स्वर यात्रा का ये जो बेड़ा है ये अब अगली कड़ी की ओर बढ़ेगा। आज की कड़ी संपन्न होती है श्रोताओं, आपसे फिर भेंट होगी अगली कड़ी में, आज्ञा दीजिए, नमस्कार। सारंगी की स्वर यात्रा, ये थी इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने सारंगी वादक उस्ताद फारूख लतीफ खान, आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने, तबले पर संगत की श्री यशवंत वैष्णव ने, तकनीकी सहयोग महेश वर्मा और वंदना ठाकुर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।